आज हम कक्षा 12 गृह विज्ञान का अध्याय 1 का बाखंड पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसकी पहली क्लास में हमने श्वसन तंत्र की रचना, कार्यविधि, श्वसन तंत्र के अंग और उनके कार्य पढ़े थे। चलिए आज देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। तो प्राणी मात्र के शरीर के सभी भागों में निरंतर बहने वाले लाल रंग के तरल पदार्थ को रक्त कहते हैं। रक्त में 10% अंश ठोस एवं 90% भाग जल का होता है, जिससे यह आसानी से पूरे शरीर में बहता रहता है। अतः रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ता है। रक्त तरल प्लाज्मा तथा रक्त कणों से मिलकर बनता है। रक्त किस किस से बनता है? प्लाज्मा से और रक्त कणों से मिलकर बनता है। प्लाज्मा यह तरल गाढ़ा हल्के पीले रंग का क्लोइडल घोल है। स्वयं का रंग लाल नहीं है। इसमें लगभग 75% पानी है। शेष 25% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले हैं, जिससे यह गाढ़ा घोल बना है। प्लाज्मा में 25% पानी है और शेष 25% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले हुए हैं। यह जीव द्रव्य का रूप है। जिस तरह जीव द्रव्य को कृत्रिम रूप से तैयार नहीं कर सकते, वैसे ही प्लाज्मा विभिन्न रसायनों को मिलाकर तैयार नहीं किया जा सकता। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरा, प्लाज्मा का पहला है कार्बनिक पदार्थ, जिससे मिलकर प्लाज्मा बना है। इसमें मुख्यतः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि होते हैं। प्रोटीन लाल रक्त, रक्त की प्रोटीन फाइब्रिनोजिन और सीरम एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्रमुख हैं। इन्हीं प्रोटीन से शरीर की मरम्मत, घावों का भरना, अंगों का विकास होता है। कार्बोहाइड्रेट से रक्त शर्करा ग्लूकोज के रूप में है तथा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है कार्बोहाइड्रेट। वसा अम्लीय वसा, वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल के रूप में मिलते हैं। विटामिन रक्त में विटामिन ई के रूप में मिलता है। अब अकार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? तो प्लाज्मा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन के कार्बोनेट, CO2, सल्फेट, फॉस्फेट आदि लवण उपस्थित पाए जाते हैं। रक्त के कण और कार्य। पहला है लाल रक्त कण। लाल रक्त कण कणों का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइटस है। लाल रक्त कणों का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइटस है। ये बहुत ही सूक्ष्म और गोल आकृति के कण जो दोनों तरफ से अवतल होते हैं। केंद्रक का अभाव होता है। प्रत्येक कण पीले रंग का होता है, किंतु लौह यौगिक हीमोग्लोबिन लाल पदार्थ के कारण लाल रंग के दिखाई देते हैं। हीम लोहा और प्रोटीन ग्लोबिन है, जिससे कि हीमोग्लोबिन शब्द बना हुआ है। इसमें हीम लोहा और ग्लोबिन प्रोटीन है, जिससे ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता रहती है। फेफड़ों में आई मिश्रित वायु में से हीमोग्लोबिन द्वारा O2 शोषित कर ली जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अस्थायी पदार्थ तैयार हो जाता है, जो प्रत्येक कोशी पेशी को रक्त द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। लाल रक्त कण की उपस्थिति अस्थि मज्जा से होती है। लगभग 100 दिनों तक ऑक्सीजन वहन का कार्य करने पर ये कण यकृत और प्लीहा में पहुंचकर नष्ट हो जाते हैं।
एक घन मिलीमीटर में 50,00,000 लाल रक्तकण रहते हैं। प्रति सेकंड 20 मिलियन लाल रक्तकण निर्मित होते रहते हैं। मृत आरबीसी या लाल रक्तकण संग्रह प्लीहा में होता है, जहां हीमोग्लोबिन को अलग कर दिया जाता है और शेष खोल रहने पर बाहर कर दिया जाता है। तो आप स्क्रीन पर लाल रक्त कणों का चित्र भी देख रहे हो बच्चों, कि लाल रक्त कण कैसा दिखाई देता है। अब है श्वेत रक्त कण। इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइटस है। श्वेत रक्त कण का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइटस है। अनियमित आकार के वे कण किसी विशेष रंग के नहीं होते। इनका आकार रक्त कणों की अपेक्षा बड़ा होता है और रक्त में इनकी संख्या लाल रक्त कणों की अपेक्षा कम होती है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक 500,00,000 रक्त कणों में एक श्वेत कण पाया जाता है। एक घन मीटर में इनकी संख्या 1,000 होती है। श्वेत रक्त कणों का प्रमुख कार्य शरीर में प्रविष्ट रोगाणुओं को नष्ट करना है, इसलिए इन्हें शरीर का संरक्षक भी कहा जाता है। रोगाणुओं से लड़ते समय यदि ये कण नष्ट हो जाते हैं तो शरीर रोग का शिकार हो जाता है। नष्ट हुए श्वेत कण को रोगाणुओं से जो विष बनता है उसे पीप या पस कहते हैं। श्वेत रक्त कणों की उपस्थिति, श्वेत रक्त कणों की उत्पत्ति प्लीहा, रस ग्रंथि, गल ग्रंथि और अस्थि मज्जा आदि स्थानों पर होती है। आगे आता है प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कण की तुलना में छोटे तथा कम होते हैं। लाल रक्त की तुलना में ये प्लेटलेट्स 22:1 में होता है। यह रंगहीन तथा केंद्रक रहित होता है। इनका निर्माण श्वेत रक्त कणिकाओं के साथ साथ होता है। प्लेटलेट्स इनका कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इनका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइटस है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइटस है। अब है रक्त के कार्य क्या क्या है। उपरोक्त विवरण से रक्त के प्रमुख कार्यों का अनुमान किया जा सकता है। पहला है O2 का परिवहन। O2 मतलब ऑक्सीजन का परिवहन। रक्त श्वसन स्थल से हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। दूसरा है खाद्य का परिवहन। रक्त द्रव्य में भोज्य रस को ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुंचाता है। CO2 का परिवहन, पेशियों में खाद्य के ऑक्सीजन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को बहाकर ले जाने का कार्य भी रक्त ही संपन्न करता है। रोगों से रक्षा करना, श्वेत रक्त कणों की सहायता से रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना। तापमान नियंत्रण करना, शरीर के सभी भागों में ताप समान रूप से बनाए रखने का प्रमुख कार्य रक्त का होता है। हार्मोन्स परिवहन, नलिका विहीन ग्रंथियों में उत्पन्न हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न भागों विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी रक्त करता है। शरीर के सभी अंगों तथा तंत्रों को एक दूसरे से जोड़े रखना अर्थात संयोजी ऊतक का कार्य भी रक्त करता है। शरीर में दवा का परिवहन और वितरण करने का कार्य भी रक्त का होता है। अब है रक्त का थक्का जमना। यह सभी को ज्ञात है कि चोट लगने पर घाव के स्थान पर कुछ देर पश्चात रक्त जमा हुआ सा दिखाई देता है। यह रासायनिक क्रिया निम्नलिखित प्रकार से पूरी होती है। तो
हवा के संपर्क में आते ही रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम, जिसका सांकेतिक सूत्र है Ca++, के द्वारा सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। दूसरा, थ्रोम्बोजेनेज एंजाइम हेपेरिन के प्रभाव को निष्क्रिय करती है, साथ ही रक्त प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन में बदल लेती है। सक्रिय थ्रोम्बिन रक्त की ही प्रोटीन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदल देती है। फाइब्रिन सूत्रवत होती है, जिसके जाल में रक्तकण प्लेटलेट्स फंस जाते हैं और थक्का बना देते हैं। शेष रक्त का पीला द्रव्य जो सीरम रह जाता है। इस क्रिया में 1 से 3 मिनट का समय लगता है और विटामिन के की ज़रूरत होती है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में विटामिन के की प्रक्रिया होती है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया भी दिखाई गई है कि रक्त का थक्का कौन सी क्रिया के पश्चात बनता है। फिर है रक्त परिभ्रमण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। रक्त परिभ्रमण के प्रमुख अंग हैं हृदय, धमनी और शिरा। पहले देखते हैं हृदय। हृदय छाती या वक्ष के भाग के दोनों फेफड़ों के बीच मध्य से बाएं ओर स्थित है। इसका अधिक चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा सकरा भाग नीचे की ओर रहता है। यह बाएं ओर झुका हुआ है और हृदय का वजन औसत व्यक्ति में 350 ग्राम तक रहता है। इसकी चौड़ाई 8.5 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है। इसकी बाह्य संरचना, यह मानव की बंद मुट्ठी की तरह है। इसके ऊपर दोहरा हृदय का आवरण चढ़ा हुआ था। इस हृदय आवरण परतों के बीच विशेष तरल पदार्थ द्रव्य पेरिकार्डियल द्रव्य भरा रहता है, जिससे हृदय की बाहरी चोट तथा अन्य अंगों की रगड़ से सुरक्षा होती है। हृदय पेशियों से बना मांसल खोखला अंग है। हृदय की ऊपरी चौड़ा भाग अलिंद तथा निचला और सकरा भाग निलय कहलाता है। अलिंद निलय के जोड़ से दो मोटी नलिकाएं क्रमशः ग्रीवा, दैहिक चाप तथा फुफ्फुस, महाधमनी अधर तल से निकलती है। महाशिराएं प्रवेश करती हैं और बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा प्रवेश करती है। हृदय की आंतरिक रचना, मानव हृदय की खड़ी काट को देखने से निम्नलिखित अंग दिखाई देते हैं। हृदय आलिंद जो दायां भाग है और निलय जो बायां भाग है। इनमें आलिंद और निलय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। आलिंद यह हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग है। बाहर से एक लेकिन अंदर क्रमशः दाएं और बायां अलिंद तथा बाएं और दायां अलिंद है। दोनों के बीच खड़ी भित्ति, जिसको कि अलिंद पट कहते हैं। दायां अलिंद बाएं से बड़ा है। दाएं अलिंद के आगे 2 तथा पीछे से 1 महाशिरा आकर खुलती है, जो संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त लाती है। और बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर डालती रहती है। निलय यह हृदय का सकरा त्रिकोणा बड़ा भाग है। बाहर से एक लेकिन अंदर खड़ी तिरछी अंत निलय पट निलय कोष्ठ को दायां निलय तथा बाएं निलय में बांटती है। निलय के अंदर उंगली नुमा उभार कार्डिकोल्यूमनी है, जो निलय को चिपकने से रोकती है।
बच्चों आप इस चित्र में अलिंद, दाया अलिंद, बायन अलिंद, फुफ्फुस सिराएं और शरीर के भाग की महाशिरा आदि को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर है हृदय के अंदर निम्नलिखित कपाट हैं जो रक्त को एक ही दिशा में जाने देते हैं। पहला है त्रिवलन, त्रिवलन कपाट। आलिंद एक छिद्र द्वारा दाएं निलय में खुलता है। इसी छिद्र पर नीचे की ओर त्रिवलन कपाट लगा है जो रक्त को निलय से आलिंद में नहीं जाने देता। दूसरा है द्विलन कपाट। बाया अलिंद बाएं निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है जिस छिद्र पर नीचे की ओर द्विलन कपाट लगा है। अर्धचंद्रकार कपाट, यह कपाट बाएं निलय से निकले ग्रीवा दैहिक चाप के मुख पर तथा बाएं निलय से निकले फुफ्फुस महाधमनी के मुख पर ऊपर की ओर स्थित है ताकि रक्त लौटकर निलय में वापस ना आ सके। ये चित्र से बच्चों आपको इन त्रिवलन कपाट, द्विलन कपाट और अर्धचंद्रकार कपाट की स्थिति हार्ट में, हृदय में कहाँ पर है आप इससे देखकर समझ सकते हैं। फिर आता है कि हृदय की कार्य विधि क्या है। हृदय शरीर के अंदर से पूर्ण गर्भ में, गर्भ के पांचवें महीने से मृत्यु तक निरंतर कार्य करता रहता है। हृदय बल पंप की तरह कार्य करता है। इसकी खोज विलियम हार्वे वैज्ञानिक ने की थी। और देखते हैं कि हृदय की कार्यविधि क्या है। अलिंदों का भरना तथा सिकुड़ना। दाया अलिंद शरीर के अंगों से एकत्रित अशुद्ध रक्त अग्रवा पश्व महाशिराओं द्वारा भरा जाता है, जबकि बाया अलिंद फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा द्वारा लाए गए शुद्ध रक्त से भरा जाता है। जब दोनों अलिंद भर जाते हैं तब एक साथ सुकड़ते हैं जिससे रक्त अपनी अपनी ओर के निलय में चला जाता है। निलय का भरना तथा सिकुड़ना। दाएं अलिंद का अशुद्ध रक्त दाएं निलय को भरता है, जबकि बाया अलिंद शुद्ध रक्त बाएं निलय को भरता है। जब दोनों निलय भर जाते हैं तब एक साथ सुकड़ते हैं जिससे रक्त महाधमनियों में पहुंच जाता है। रक्त का वितरण। दाएं निलय का अशुद्ध रक्त फुफ्फुस महाधमनी द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है, जबकि बाएं निलय का शुद्ध रक्त ग्रीवा दैहिक चाप द्वारा फेफड़ों के अतिरिक्त शरीर के समस्त अंगों में पहुंचता है। हृदय का स्पंदन या हृदय का धड़कना। निरंतर अलिंद भरते हैं अर्थात फैलते हैं जिससे प्रसरण या डायस्टोल, जिसे प्रसरण या डायस्टोल कहते हैं, तथा तुरंत सिकड़ते हैं जिसे अकुंचन या सिस्टोल कहते हैं। इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। एक अकुंचन तथा एक प्रसरण मिलकर हृदय का की एक स्पंदन कहलाते हैं। यह क्रिया उम्र तथा कार्य के अनुसार कम या ज्यादा होती है। देखते हैं कि आयु और अलग अलग आयु में हृदय की स्पंदन या हृदय के धड़कने की गति अलग अलग होती है। ये चार्ट में दिखाया गया है कि नवजात शिशु की 140 बार प्रति मिनट, एक वर्ष में बच्चे की 120 बार प्रति मिनट हृदय का स्पंदन करता है। दो तीन से छः वर्ष में अलग है, 7 से 13 वर्ष में, और जब वयस्क व्यक्ति हो जाता है उसकी अलग है, और वृद्धावस्था में हृदय के स्पंदन की गति 70 से 60 हो जाती है। तो जब बच्चा नवजात रहता है तब उसके हृदय की
स्पंदन की गति सबसे ज्यादा 140 से 120 रहती है। अब दूसरा भाग है धमनी। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक, विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली रक्त नलिकाओं को धमनी कहते हैं। इनमें सदैव हृदय की विपरीत दिशा में रक्त झटके से बहता है। केवल अशुद्ध रक्त दाहिने निलय से फेफड़ों को फुफ्फुसी धमनी ले जाती है। इनमें कपाट नहीं होते, लाल रंग की होती है। धमनियां शरीर के बहुत भारी मांसपेशियों में धंसी रहती है, उन्हें सहसा आघात नहीं पहुंच सकता। जहां धमनी अस्थि के ऊपर से जाती है वहां दबाव बिंदु बन जाते हैं। धमनी की दीवार मोटी होती है, वे रबड़ की तरह लचीली होती हैं। धमनी की दीवार तीन आवरणों से बनी रहती है। पहला आवरण यह पतला और मुलायम होता है, इसे एंडोथीलियम भी कहते हैं। इस आवरण से बने पोले भाग के भीतर रक्त बहता है। फिर है मध्य आवरण, यह अनैच्छिक मांसपेशियों से बना आवरण है। इस आवरण की गोलाकृति मांसपेशियां अपने आकुंचन और प्रसरण द्वारा भीतरी आवरण पर दबाव डालकर रक्त प्रवाह का नियमन करता है। तीसरा बाहरी आवरण, यह मोटा और सफेद तंतुओं का बना होता है। अब है केशवाहिनियां। धमनी जैसे जैसे आगे बढ़ती है अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। प्रत्येक पेशी तक पहुंचते पहुंचते ये बहुत ही सूक्ष्म नलिकाएं केश के समान दिखाई देती है, इसलिए इन्हें केशवाहिनियां या कोशिकाएं कहते हैं। बारीक होते होते धमनियां का बाहरी एवं मध्य आवरण पतला होता जाता है। अंत में ये केवल भीतरी एंडोथीलियम आवरण ही शेष रहता है। साथ ही रक्त की ऑक्सीजन पेशियों को पहुंच जाती है और पेशियों में उत्पन्न दूषित कार्बन डाइऑक्साइड आदि केशवाहिनियों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब है शिराएं। दूषित पदार्थ लिए हुए केशवाहिनियां एकत्र होकर शिरा में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटी छोटी शिराओं से बड़ी शिरा बनती है। शरीर के समस्त अंगों से जाकर रक्त दो बड़ी बड़ी अग्र महाशिराओं एवं पश्चिम महाशिराओं में लाया जाता है। शिराओं में भी धमनी की तरह तीन आवरण होते हैं, किंतु वे अपेक्षाकृत पतले होते हैं। शिराओं के मध्य आवरण में हृदय की ओर खुलने वाले स्नायुओं को कपाट कहते हैं, जिनके कारण अशुद्ध रक्त एक समान गति से हृदय की ओर बहता है। शिराएं बहुधा मांसपेशियों के ऊपरी भागों पर दिखाई देती हैं। त्वचा के नीचे नीली नसों के रूप में सहज ही पहचानी जा सकती हैं। अब है धमनी और शिरा में क्या अंतर है। आपको मालूम है धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त बहने के कारण धमनियों का रंग लाल या गुलाबी होता है और शिराओं का रंग नीला होता है। शरीर की गहराई पर पाई जाती हैं धमनियां और शिराएं शरीर के बाहर और पाई जाती हैं। धमनी रक्त के अभाव में चिपकती नहीं है और शिरा रक्त के निकलने के बाद चिपक जाती है। धमनी मोटी और लचीली होती है, शिराएं पतली और कम लचीली होती हैं। धमनी रक्त झटके के साथ बहता है और शिराओं में रक्त एक ही रफ्तार से बहता है। धमनियों में रक्त का बहाव अधिक होता है तो शिरा में रक्त का दबाव कम होता है। फुफ्फुस धमनी में के अतिरिक्त सब में शुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस शिरा को छोड़कर सब में अशुद्ध रक्त होता है। धमनियों में रक्त हृदय से दूर ले जाया जाता है, शिराओं से रक्त हृदय में लाया जाता है।
धमनियों के अंदर कपाट का अभाव होता है तो शिराओं में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट होते हैं। धमनियों के अंदर प्यास कम होता है, शिराओं के अंदर प्यास अधिक होता है। बच्चों, आज हमने रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के कार्य, रक्त की संरचना, हृदय के कार्य, हृदय में धमनी, शिरा आदि पढ़ा, धमनी और शिरा में अंतर पढ़ा। मुझे आशा है कि आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी कॉपियों में नोट करेंगे।